अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू आर्ट क्लास, क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा प्रीवियस क्लास का ही टॉपिक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रेश फ्रूट इन बास्केट। तो हम लोग लास्ट टाइम इसका स्केच ड्रॉ किया था, आज हम इसमें कलरिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। सो चिल्ड्रन, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रॉ किया था, आज हम इसकी कलरिंग करने वाले हैं। तो हम इसमें पेंसिल वाटर कलर यूज़ करेंगे। आप सब भी पेंसिल वाटर कलर ही यूज़ करते हैं, तो आज हम सिर्फ कलरिंग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कलरिंग करने के लिए हम ऊपर टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो टॉप में हमारा जो फ्रूट है वो है ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में हम लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन दोनों का मिक्सअप करेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट है, जो बॉटम वाला पार्ट है ग्रेप्स का, यहाँ पे हम लाइट ग्रीन करेंगे। सब में डायरेक्शन ध्यान रखिएगा क्लास। चलिए ग्रेप्स की कलरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से सारे लाइट ग्रीन करने हैं। तो क्लास हमारा लाइट ग्रीन कम्प्लीट हो चुका है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड हम डार्क ग्रीन का शेप देंगे। इस तरह से डार्क ग्रीन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम इसके साथ येलो भी यूज़ करने वाले हैं। अब आप कलर आर्ट का लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, तो हम मिक्सिंग करेंगे 2-3 कलरिंग्स की। तो अब लाइट ग्रीन के साथ मैं येलो यूज़ कर रही हूँ, पूरा पूरा जितना भी आपका बचा है उसे पूरा फिल कर देते हैं येलो के साथ। चिल्ड्रेन, हमारा ये ग्रेप्स कलरिंग हो चुकी है। इसकी जो स्टेम है ये हम ब्राउन कलर से करेंगे। तो चलिए इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रूट हमारा है एप्पल। तो एप्पल में सबसे पहले हम रेड कलर की आउटलाइन करेंगे और येलो से शेडिंग देंगे, ठीक है। तो आप इसकी कलरिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कर सकते हैं या फिर वर्टिकल, जो भी आप ईजली कर सकते हैं वो डायरेक्शन फॉलो कीजिएगा। क्लास, इस तरह से रेड कलर करना है और इसमें थोड़ा सा ये हम येलो का शेड देंगे एप्पल में, थोड़ा सा रेड मिक्स करते हुए इस पे। सेम हम पोमेग्रेनेट जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है इसकी भी रेड कलर से करेंगे, और इसके साथ हम येलो का शेड ना देकर हम ब्राउन की शेडिंग करेंगे। आप सबने अच्छे से देखा होगा पोमेग्रेनेट कि इसकी जो शेडिंग होती है, जो इसका अपर एंड बॉटम पार्ट होता है, थोड़ा सा डार्क शेड में होता है। तो हमारा यहाँ पे बॉटम पार्ट तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ अपर पार्ट दिख रहा है। तो अपर पार्ट में हम थोड़ा सा ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे इसमें। तो कैसे करना है, इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इस तरह से हमें रेड पार्ट भी हमारा ये वाला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारी रेड से जो कलरिंग है वो है हमारा वाटरमेलन। वाटरमेलन का ये जो मिड पार्ट है इसमें हम करेंगे, इसी के साथ हम थोड़ा सा येलो कलर भी यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही लाइट। नेक्स्ट हमारा जो इसका आउटसाइड एरिया है वो थोड़ा सा हम ग्रीन करेंगे। आप देख सकते हो कि मैंने ग्रीन से पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है, वो हमारा येलो पार्ट के लिए है। तो हम येलो कलर करेंगे उसमें।
तरह से हमारा वाटरमेलन भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस बहुत ही फ्री हैंड से कलरिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा है, प्लस हमारे यहाँ पे भी कुछ ग्रेप्स रह गए हैं तो उसे भी कर लीजिए अगर आपने ड्रॉ किए हैं तो। मैंने तो ड्रॉ किए हैं, मैंने आपसे बोला था ना कि अगर आपके जहाँ पे स्पेस बची है तो वहाँ पे आप येलो कलर सॉरी कुछ ग्रेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ये ग्रेप्स कलर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है पाइन ऐपल। पाइन ऐपल की जो ऊपर हमारी लीव्स हैं इनमें हम लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का शेड देंगे। तो हम पहले थोड़ी स्पेस में स्पेस छोड़ते हुए डार्क ग्रीन कर लीजिए। चलिए पहले डार्क ग्रीन कर लेते हैं। स्टूडेंट इस तरह से लीव्स में ग्रीन पार्ट करना है डार्क ग्रीन, और उसी के जहाँ पे साइड में आपने जो स्पेस छोड़ी है उसमें लाइट ग्रीन से फिलिंग कर दीजिए पूरा पूरा। हमें वाटर अप्लाई करना है तो अगर आपका कहीं भी कलर रह भी जाता है, वाइट स्पेस रह जाती है, तो वाटर से पूरी फिल हो जाएगी। क्लास हमारा पाइन ऐपल के लीव्स कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा पाइन ऐपल है, तो पाइन ऐपल में हम ऑरेंज एंड येलो की कलर्स फिल करेंगे। तो सेम वैसे ही करना है, थोड़ा सा ऑरेंज शेड एंड थोड़ा येलो शेड देते हुए। तो हम आप पूरा एक बार भी कलरिंग मत कर दीजिएगा, मैंने इसमें ब्लॉक्स ड्रॉ किए हैं तो आप भी ब्लॉक वाइज कलरिंग करेंगे। इस तरह से ऑरेंज कलर करना है। नेक्स्ट येलो यूज़ करना है इसमें। सो हमारा ये पाइन ऐपल कम्प्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे बनाना। तो बनाना सबको पता है ना, येलो कलर से आपको पूरा पूरा फिल करना है, और इसके बाद इसमें जो हम लाइनिंग्स वगैरह होंगी वो हम आफ्टर वाटर करेंगे। बस थोड़ा सा रेड येलो के साथ हम थोड़ा सा कॉर्नर्स पे ब्राउन का शेड देने वाले हैं इस तरह से। चाहे तो आप लाइन वगैरह भी ड्रॉ करके कर सकते हो शेडिंग की तरह। तो इससे ब्राउन शेड थोड़ा सा हो जाएगा तो हमारा बनाना थोड़ा सा रियल लुक देगा। हमारी ये जो एप्पल है, एप्पल की लीफ ग्रीन करनी है, स्टेम ब्राउन। नेक्स्ट अब हमारा है कीवी। तो कीवी को हम जो हमारा आउटर पार्ट है कीवी का वो हम करेंगे ब्राउन के साथ थोड़ा सा लाइट ग्रीन मिक्स करते हुए। बहुत डार्क ब्राउन नहीं होती है कीवी का शेड जो होता है, कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश होता है और ब्राउन थोड़ा सा लुक देता है। तो हम ब्राउन एंड ग्रीन लुक देंगे। नेक्स्ट हमारा जो अंदर वाला पार्ट है वो हम करेंगे आउटसाइड वाला एरिया जो है ब्राउन में, उसमें हम येलो और अंदर लाइट ग्रीन के साथ थोड़ा सा ब्लैक करेंगे वो आफ्टर आउटलाइन। बस नेक्स्ट हमारा है पीच। तो पीच में हम लाइट पिंक एंड डार्क पिंक यूज़ करने वाले हैं। तो जो आपका बॉटम पार्ट है वहाँ पे हम डार्क पिंक यूज़ करेंगे और थोड़ा सा रेड भी यूज़ कर सकते हैं आप, कि हमारे पास वाइट तो है नहीं, वाइट होता है तो वाइट वाला एरिया वैसे छोड़ने वाले हैं। आप देख सकते होंगे ये जो पीच का जो बॉटम पार्ट है ये थोड़ा सा मैं डार्क शेड में कर रही हूँ पिंक से। नेक्स्ट हमने ये लेमन ड्रॉ करवाया था, आप चाहे इसे लेमन बोल सकते हो या ऑरेंज, सेम ही होता है। तो हम यहाँ पे ऑरेंज कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कलर में।
प्लस ऑरेंज के साथ जो हमारा एरिया बचा हुआ है उसमें हम येलो फिल कर रहे हैं। इस तरह से हमारे जो बास्केट के फ्रूट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे नीचे पीच सेम डार्क शेड करेंगे हम बॉटम पार्ट में। नेक्स्ट इसकी जो लीफ है वो हम लाइट ग्रीन से कर रहे हैं। सेम यहाँ भी बीच में डार्क ग्रीन सारे लीव्स वन साइड एंड वन साइड लाइट ग्रीन। इस तरह से हमें करना है ताकि पीच आपको पता है सॉरी पीच कह रहे हैं चेरी है ये चेरी में रेड कलर नेक्स्ट हमारा पीच तो पीच का जो अंदर वाला पार्ट है सीड वाला पार्ट ये थोड़ा सा ब्राउन एंड ऑरेंज में होता है तो हम आउटसाइड ब्राउन एंड ऑरेंज इस तरह से करेंगे और इसका जो पार्ट है ये येलो कट वाला पार्ट है। नेक्स्ट सेम रेड सॉरी डार्क पिंक एंड लाइट पिंक नेक्स्ट अब हमारा बचा है बास्केट तो बास्केट में हम यूज़ करने वाले हैं लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू तो सेम डार्क ब्लू हम कॉर्नर में यूज़ करेंगे जो हमारा कॉर्नर पार्ट है ये इससे हमारा लुक अच्छा आएगा। बोथ साइड हम डार्क ब्लू का शेड देंगे क्लास सेम साइड पे राइट हैंड साइड पे। चलिए इस तरह से हमें डार्क ब्लू शेड करना है। नेक्स्ट इसी के साथ लाइट ब्लू सेंटर में आप देख सकते होंगे कि ये सेंटर वाला पार्ट हमने लाइट ब्लू किया हुआ है और थोड़ा सा लाइट ब्लू हम डार्क ब्लू के साथ भी मिक्स कर देंगे इससे हमारा शेड अच्छा आएगा। थोड़ा डार्क शेड में कीजिएगा लाइट ब्लू क्योंकि फिर बोला फिर डार्क ब्लू उसका पता नहीं चलेगा वो। तरह से करता है तो क्लास फोर्थ फिफ्थ ये आज की जो हमारी कलरिंग पार्ट थी तो हम लोगों ने कलर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें वाटर अप्लाई करेंगे और इसे फिनिशिंग टच देने के लिए इसकी आउटलाइन कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप सबका भी कलरिंग मेरे साथ साथ कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं वाटर अप्लाई करने के लिए और इसे फिनिशिंग टच देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफ़िज़।